मुरादाबाद जनपद के पागड़ा थाना क्षेत्र की ग्रोथ चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मोबाइल से बनाई गई वीडियो क्लिप में रिश्वतखोर दरोगा पैसे लेकर जेब में रखते हुए नजर आ रहा है। ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी में तैनात दरोगा ललित भाटी के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर मामले की जाँच CO हाईवे को सौंप दी गई है। वायरल वीडियो में रिश्वत लेते हुए दरोगा पर आरोप है कि एक दिव्यांग लड़की की गुमशुदगी दर्ज करने के बजाय दरोगा ने पीड़ित परिवार को लड़की की हत्या में फंसाने की धमकी दी थी और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देकर पैसे वसूल रहा था। पाँच और चलो अपने भाई से बता दो क्या करना। आपने कह दी थी नहीं, मैं अपने कहूंगा आगे। आपने कहा था कि जब मैंने कहा आपने कहा मैं कहूँगा नहीं, आपने कहा। आप देख सकते हैं कि दरोगा जी अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं और रिश्वत को भी अपने सर माथे लगा करके अपनी जेब में रख रहे हैं और साथ ही याद भी दिला रहे हैं पीड़ित को कि अभी उसने कम पैसे दिए हैं, बाकी पैसे बाकी हैं। देखिए किस तरह से दरोगा जी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किस तरह से अपनी ईमानदारी की रिश्वत को लेकर के अपनी जेब में रख रहे हैं। दरअसल पागड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कला में रहने वाली एक दिव्यांग लड़की बीते 30 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को लड़की के गायब होने की सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ितों के मुताबिक दरोगा ने गुमशुदगी दर्ज करने के बजाय उल्टे परिजनों पर ही युवती की हत्या का शव गायब करने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कर पीड़ित परिजनों को जेल भेजने की धमकी दी डाली। पीड़ित पक्ष ने जब गुहार लगाई तो रिश्वतखोर दरोगा ने 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद 15,000 रुपए की 3 किस्तों में पैसा देना तय हुआ। वहीं दूसरी किस्त के 15,000 रुपए देते हुए पीड़ित पक्ष ने दरोगा ललित भाटी का स्टिंग कर दिया और वीडियो को वायरल कर दिया। मामले के सामने आने के बाद SSP ने CO हाईवे को मामले की जांच सौंप दी, साथ ही आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं मामले के संबंध में जब मुरादाबाद के SP सिटी आशीष श्रीवास्तव जी से बात तो उन्होंने बताया, इस संबंध में मुझे मीडिया कर्मियों के द्वारा पता चला कि एक वीडियो चौकी प्रभारी ग्रोथ सेंटर थाना पागबड़ा का वायरल हो रहा है। उस वीडियो के प्रथम दृष्टया देखते हुए उसके आधार पर उनको लाइन भेज दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है और इस संबंध में जांच क्षेत्राधिकारी हाईवे को दी गई, उसके ऊपर जैसी उनकी रिपोर्ट आएगी उस प्रकार से कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो जानकारी मिली है किस बिना पे ये पैसे लिए गए थे, किस क्या इस संबंध में, चूँकि मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन जैसा रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी ने दी उसके आधार पर हमने फिलहाल के लिए प्रिकॉशनरी उनको सस्पेंड कर दिया है और ये जांच क्षेत्राधिकारी को दी है PE और प्रारंभिक जांच, यदि प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक TV आपकी आवाज़।